ये नहा के नहीं आया है, ये नहा के नहीं आया, सिर्फ चंदन टीका कर लिया है, ये नहाया नहीं है। मैं नहा चुका हूँ लेकिन ये नहीं नहाया है। Hey guys, good morning. Welcome back to my new blog. Guys, आज मैं घर जाने वाला हूँ पटना से। कल ही मैं जाने वाला था यहाँ से, लेकिन गाइज मेरा 2 बजे ट्रेन था और बिल्कुल ट्रेन मेरा छूट गया, इसके कारण से आज भी मुझे पटना में रुकना पड़ा गाइज। और आज शाम में 4 बजे मेरा ट्रेन है, तो मैं 4 बजे यहाँ से निकलूँगा। उससे पहले गाइज आज भी मैं आपको पटना घुमाता हूँ। आखिर मेरे पास अभी भी 5 घंटा समय है और 5 घंटा में बिल्कुल मैं आपको पटना तो घुमा ही सकता हूँ। तो बिल्कुल गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे और ऐसे ऐसे ब्लॉग डेली देखे। तो गाइज अभी हम निकलते हैं पटना घूमने। आप देख सकते हैं कि मैं नीचे आ चुका हूँ बिल्कुल, और अभी तक अंकित नीचे नहीं उतरा है। अंकित बहुत लेट है। अंकित जल्दी आओ यार, लेट हो रहा है हम लोग को। और यहाँ देखिए अंकित आ गया। ए अंकित से मिले। प्रेजेंट। अब चलते हैं घूमने के लिए। तो आज कहाँ जाएगा अंकित? सोच रहे आज म्यूजियम घूमते हैं। म्यूजियम। तो गाइस अभी हम लोग के पास टाइम है, 4 बजे ट्रेन है, तो अभी बिल्कुल मेरे पास टाइम है, तो चलते हैं आपको म्यूजियम घुमाते हैं। ओके चलें? यस। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं गाइस, हम दोनों निकल चुके हैं पैदल पैदल। अभी जा रहे हैं गाइस टेम्पो पकड़ने के लिए, क्योंकि बाइक तो है नहीं यहाँ पे, तो टेम्पो पकड़ेंगे। टेम्पो पकड़ के जाएंगे सबसे पहले जैक्सन, और जैक्सन जाने के बाद गाइस जाएंगे हम लोग म्यूजियम। गाइस अभी हम लोग जाने वाले थे म्यूजियम, लेकिन उससे पहले यहीं पे माँ शीतला मंदिर अगम कुआं आपको पीछे दिख रहा होगा, तो यहीं पे था। और गाइस हमने सोचा कि सबसे पहले हम लोग यहीं पे घूमें, हम और अंकित यहीं पे जाते हैं पूजा करेंगे, उसके बाद निकलेंगे म्यूजियम घूमने के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं गाइस यही है अगम कुआं, अंदर में ही कुआं है, तो हो सके तो आपको दिखेगा पीछे देख सकते हैं। तो ये अगम कुआं है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि शायद अपने 100 भाइयों को काट के इसमें डाला गया था और इसी वजह से यहाँ पे नाम पड़ा, ऐसा भैया बोल रहे थे, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं है लेकिन ऐसा लगा मुझे। और यहाँ गाइस देख सकते हैं शीतला मंदिर जो कि पीछे में है। निकल गए और अभी हम लोग चले म्यूजियम पटना। तो गाइस आप देख सकते हैं पटना में भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अब पूरा ट्रैफिक में हम लोग भी फंस गए और बारिश भी उतनी तेज हो रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग बुद्धा पार्क आए हुए हैं और यहीं पे अंकित पीछे दिख रहा होगा वो टिकट ले रहा है अपना, और अभी हम लोग जाएंगे बुद्धा पार्क घूमने के लिए। और इधर देख सकते हैं बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है बुद्धा पार्क, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ अंकित टिकट ले रहा है, बिल्कुल गाइस हम लोग को टिकट मिल गया है बुद्धा पार्क का और म्यूजियम का, तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और फिर म्यूजियम भी घूमने चलेंगे। हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये सब लोग दे चुका है पता, मंगलसूत्र अंकित को मंगलसूत्र मिला है जब ये बैग रखा तो। यस ब्रो, आप बिल्कुल देख सकते हैं अभी मस्त यहाँ पे वृक्ष वगैरह है। और गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है इसी कारण से अभी सूखा सूखा नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर देखिए अंकित पूरा मजे कर रहा है आज पार्क में। और अभी गाइस पहले हम आपको पूरा पार्क घुमाते हैं, उसके बाद अंदर ले चलेंगे म्यूजियम। तो गाइस ये बारिश में शूज़ पहन लिया और मैंने स्लीपर पहना है इसलिए मैं बच गया, और बिल्कुल इसका पूरा शूज़ भींग गया है, फिर भी चलो इसी में छपाक छपाक करते हुए। तुम कोई बात क्या बिट्टू भाई, प्यास लग गया क्या? हाँ यार थोड़ा जल पी लेते हैं यार, इतना इतना तो पानी, बारिश हो रही है, तुमको जल पीना है। अंकित बहुत ठंडा पानी है, नहा लो। तो ये नहा के नहीं आया है, ये नहा के नहीं आया, सिर्फ चंदन टीका कर लिया है, ये नहाया नहीं है। मैं नहा चुका हूँ लेकिन ये नहीं नहाया है, ये नहीं नहाया है गाइस,
विश्वास मत करना, अगर बोलेगा कि अंकित नहीं नहाया है तो ये विश्वास मत करिएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या गाइस, बिना नहाए कोई चंदन टीका करता है क्या? कर सकता है, बिट्टू कर सकता है। नहीं, बिट्टू नहीं, कर सकता है। मैं नहाया हूँ, ये बोलेगा कि अंकित नहीं नहाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रहा ट्रैक जिसपे हम लोग चल रहे हैं। ओ बिट्टू कर खेल रहा है, बहुत मजा आ रहा है पानी में, मस्त छपर छपर करने में। पूरा पार्क खाली है, पूरा खाली है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हुई है इसलिए कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये नमूना दिख रहा है एक। यस, मैं अकेले काफी हूँ घूमने के लिए गाइस, इसलिए मैं अकेले घूम रहा हूँ। यस, बहुत अच्छा लगता है अकेले घूमना, अकेले रहो, अकेले घूमने में बहुत मजा है। ओहो बिट्टू, ये कैमरा वाली बात है मगर रियली तुम भी जानता है। ओह, यहाँ पे यहाँ की घास बहुत बड़ी बड़ी है, मेरा शूज इसमें ढक जा रहा है। गाइस, जितने भी क्रिकेट खेलते हो आप लोग, मैं बता दूँ कि घास बहुत अच्छा है यहाँ का और बहुत मजा आ रहा है। करे क्या बिट्टू बैट बॉल स्टार्ट, लाते तो जरूर खेलते। नहीं, बॉल ज्यादा तो यहाँ पे ड्राई मार सकते थे, कैचिंग प्रैक्टिस कर सकते थे। बताइए, तुरंत अपना रंग रूप में आ गया, तुरंत स्लीपर ये खोल दिया है, यानी कि तुरंत खराब हो जाएगा ना इसीलिए। बस 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 बस, आप देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल यहाँ पे पीछे बुद्धा भगवान जी का एक ब्लैक कलर का बहुत ही शानदार स्टैचू बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अंकित भी है। यस, तो अंकित कैसा लग रहा है स्टैचू? बहुत ही प्यारी स्टैचू है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ पे तो नाइट का व्यू अलग ही होगा इसमें देखने के। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट भी लगा हुआ है पीछे, यहाँ लाइट लगा हुआ है, और जब रात होता होगा तो यहाँ पे जब उस पर फोकस जाता होगा स्टैचू पे, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चमकता होगा। तो गाइस, मैं आपको रात में तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बिल्कुल अभी मैं यहाँ पे हूँ दिन में, तो बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वहाँ देखिए गाइस, म्यूज़ियम, वो बुद्धा भगवान जी के अंदर वहाँ पे भी बहुत अच्छा वही म्यूज़ियम है। और गाइस, एक इधर भी है म्यूज़ियम, तो अभी अंदर जाएंगे हम। लेकिन गाइस, एक प्रॉब्लम है कि अंदर बोल रहा है कि अलाउ नहीं है कैमरा वगैरह ले जाना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कैमरा अंदर लेके जाऊं और आप सबको म्यूज़ियम दिखा सकूं। मैंने अपना चप्पल गाइस यहीं पे छोड़ दिया था और मस्त मैं मज़े कर रहा था। ये देख सकते हैं नीचे चप्पल, और मैंने ले लिया गाइस। अब बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब अभी बारिश भी उतनी ही हो रही थी और अभी देखिए कि धूप कितना ज़्यादा हो गया, मतलब दोनों चीज़, बारिश भी उतनी तेज और यहाँ धूप भी उतनी तेज। अभी सोचे घूम नहीं पाएंगे और फिर सोचे घूम रहे हैं तो फिर धूप आ गया, तो धूप में गाइस घूमने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ऊपर से अकेले, तो अकेले सिर्फ हम और अंकित तो घूम रहे गाइस दोस्त। और देखिए वो मस्त छाया में रेस्ट कर रहा है पीछे। और आप देख सकते हैं गाइस कि यही है बुद्धा पार्क, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा चमक रहा है, शीशा से पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है पूरा चारों बगल। और यहाँ पे अंकित बिल्कुल घूम रहा है, मज़े ले रहा है यहाँ पे। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि फ़ोटो शूटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है बहुत। तो अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम अंदर घुसने के लिए, देखते हैं कि कैमरा ले जाने देता है या नहीं। अगर ले जाने दिया तो बिल्कुल मैं आपको दिखा पाऊँगा, और अगर गाइस नहीं ले जाने दिया तो बिल्कुल आपको आज पार्क ही दिखेगा। और गाइस, अब ये देख सकते हैं कि हम लोग अभी म्यूज़ियम के अंदर हैं और चोरी छुपे किसी भी तरह वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए। फाइनली गाइस, हम लोग म्यूज़ियम से बाहर निकल गए, और मैं बहुत अच्छे से तो आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन कुछ कुछ चोरी चोरी छुपे छुपे करके दिखाया आपको। तो अंकित कैसा लगा अंदर? काफ़ी अच्छी म्यूज़ियम थी, बहुत ही नॉलेज मिली अंदर जाके। हाँ, अंदर जाके पता चला कि बुद्ध भगवान क्या थे, कैसे थे, हम लोग को 10 मिनट का क्लिप भी दिखाया गया जो कि बहुत अच्छा था। तो आपको भी अगर बुद्ध भगवान के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप बिल्कुल आ सकते हैं बुद्धा पार्क,
बुद्धा म्यूजियम आप यहाँ देख सकते हैं। और गाइस एक और वहाँ पे है म्यूजियम, तो कोशिश करते हैं उसके अंदर भी जाने का। तो बिल्कुल गाइस आप देख सकते हैं हम और अंकित अभी यहाँ आ चुके हैं। पीछे और देखिए कितना बड़ा सा है, बहुत बड़ा सा है वो, ऊपर दिख रहा होगा। और अंदर जाने का टिकट तो है नहीं मेरे पास, अगर अंदर घुसना है तो उसके लिए फिर से मेन गेट के पास जाना पड़ेगा और टिकट लेके फिर आना पड़ेगा देखने के लिए। तो गाइस मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूँ किस तरह का है, ऊपर भी लेके चलते हैं आपको, ऊपर से आपको नज़ारा दिखाएंगे, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं गाइस हम लोग को ऊपर जाने नहीं मिला क्योंकि टिकट हम लोग के पास था नहीं। हम लोग आधा दूर चढ़ चुके थे लेकिन फिर गार्ड ने रोका, बोला कहाँ जा रहे हो, तो हम बोले टिकट पूछा वो, तो टिकट तो था नहीं, दिखाते क्या। फिर गाइस हम लोग नीचे आ गए और नीचे नीचे घूम रहे हैं, पूरा आपको दिख रहा है। और गाइस मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कितना अच्छा है। गाइस बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत थक गया उसने, पैर दिया है बहुत, पैर दर्द, चलते चलते पूरा पैर दर्द करने लगा। अच्छा बड़ा है ये, पूरा घूमना पड़ता है पूरा गोल, तो बहुत बड़ा है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे खाली चेयर मिला, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, फिर अभी निकलेंगे उधर भी घूमने के लिए, एक जगह छूटा हुआ है तो इसके पीछे घूमना है, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। फाइनली गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी अभी मैंने चेक किया तो एक ब्रह्मपुत्र मेल बिल्कुल दिखा रहा है कि 15 से 20 मिनट में ब्रह्मपुत्र मेल है और पटना जंक्शन बगल में ही है, तो जल्दी से अब हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं और निकलेंगे घर। तो गाइस हम और अंकित अब बाहर निकल गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए। गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है स्टेशन पे भी और अभी हम लोग को दौड़ के जाना पड़ेगा ट्रेन पकड़ने के लिए। 2 नंबर पे लगी हुई है ब्रह्मपुत्र मेल और प्लान तो था कि इंटरसिटी से जाएं लेकिन इंटरसिटी रात में 10 बजे उतारता बड़ी एयरपोर्ट और अभी ब्रह्मपुत्र मेल से जाएंगे तो 6 बजे ही हम लोग जमालपुर उतरेंगे और वहाँ से ऑटो या बस से हम लोग घर निकलेंगे। तो फाइनली गाइस हम लोग ट्रेन पर बैठ चुके हैं और मैं ऊपर बैठ गया हूँ क्योंकि अभी 4-5 घंटे का सफ़र है और आराम से सो के जाऊंगा तो सफ़र जल्दी कटेगा। गाइस आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जमालपुर स्टेशन के बाहर खड़े हैं और बाहर इसलिए खड़े हैं गाइस क्योंकि ब्रह्मपुत्रा मेल बरियारपुर नहीं रुकती है और इसी कारण से मुझे जमालपुर उतरना पड़ा। और अभी यहां से एक ट्रेन है 7 बजे जमालपुर से बरियारपुर, तो उससे जाऊंगा मैं घर। और अभी मेरा दोस्त आ रहा है चंदन और यहाँ पे तो अंकित है ही। तो गाइस आखिर मेरा दोस्त आ ही गया चंदन, हाय करो चंदन, यही है चंदन जो कि मेरा पकिया दोस्त बचपन का दोस्त है। और अभी हम लोग पार्टी करेंगे थोड़ा सा। गाइस अभी फिर से हम लोग ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और यहाँ मिले राजीव भैया का भाई, जो राजीव भैया बॉलिंग करते हैं उसके भैगना है, उसके भैगना आइए हाय कीजिए सब। और इसके सब ये दोस्त लोग हैं तो बिल्कुल ये लोग, इनका घर जमालपुर ही है और यहीं पे हमको मिले तो थोड़ा सा बातचीत हुआ और बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग स्टेशन आ रहे हैं, अंदर आ गए हैं और अभी हम लोग जाएंगे ट्रेन पकड़ने, तो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन है जो कि 6:55 में खुलेगी। फाइनली गाइज पटना की ट्रिप खत्म हो चुकी है और हम और अंकित घर आ चुके हैं। तो बिल्कुल कैसा रहा अंकित सफर? बहुत ही अच्छा सफर रहा, बहुत ही अच्छा।
तो गाइज अंकित का एडमिशन भी हो गया, इसने वहाँ पे फ्लैट भी देख लिया और 2-3 दिन बाद ये जाएगा पटना और वहीं रहेगा। आई होप गाइज कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। ओके, मिलते हैं इसी तरह अच्छा ब्लॉग लेके नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज, बाय कर दो अंकित, बाय बाय।